दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से हमारे कस्टमर को सेल इनवॉइस इशू करते हैं, यानी कि कस्टमर को जब हम सेल बिल देते हैं, तो अगर उस सेल इनवॉइस के ऊपर कस्टमर से अगर हमें किसी टाइप का किराया भाड़े की अमाउंट अगर हमें ऐड करनी हो, या फिर किसी टाइप की लेबर या मजदूरी की अमाउंट अगर ऐड करनी हो, या फिर अगर किसी टाइप की कोई कमीशन की अमाउंट या फिर कोई डिस्काउंट की अमाउंट को अगर लेस करना हो, तो इस टाइप की एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल इनवॉइस बनाते वक्त किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी वो किसी कंपनी में अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग की जॉब के लिए जाएगा तो अक्सर इस टाइप की एंट्रियाँ उसको करनी पड़ सकती है। तो आज का वीडियो बहुत ही एक नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट भी है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी आने वाली टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर में जाके सेल इनवॉइस की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो सेल इनवॉइस की एंट्री करते वक्त हमें सेल वाउचर यूज़ करना पड़ेगा एफेट के लिए, और हम यहाँ पर एक हमारा कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास राजकुमार है। और उसके बाद में हमारी जो सेल टाइप है ये उधार की सेल है, यानी कि क्रेडिट की सेल है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, तो हमारे पास जो स्टॉक आइटम है उस आइटम को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कितनी क्वांटिटी है, मान लीजिए हमारे पास 5 की क्वांटिटी है, और उसके बाद एक का जो रेट है वो हमने यहाँ पर लगा दिया 1500 रुपये। तो इस टाइप की ये अमाउंट बन गई, ये GST 18% की हमारी सेल है लोकल की। और उसके बाद में हमेशा की तरह हमने CGST टैक्स इस पर ऐड कर दिया और SGST टैक्स ऐड कर दिया। अब बात आती है जो हमने इसका एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, कि हमें सबसे पहले तो 1% का डिस्काउंट देना है। मान लीजिए हमने इसकी जो बेसिक वैल्यू ये हमें ये रख लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू 5525 रुपये, तो हम यहाँ पर इसको भी हम एक बार 5525 ही कर देते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही आ जाए। और उसके बाद में डिस्काउंट, अब डिस्काउंट हमें कस्टमर को देना है, तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट के नाम से एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमने बना रखा है। तो डिस्काउंट को हम इंटरप्रेस करेंगे, तो अब ये हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस बन गया, यानी कि इनडायरेक्ट खर्चा है, तो हम इसका डिस्काउंट का लेजर हम क्रिएट करेंगे और उसका ग्रुप हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसको जो टाइप ऑफ लेजर है इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, GST एप्लीकेबल इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि हम इस पर डिस्काउंट पर किसी प्रकार का कोई GST है जो चार्ज नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में जो डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो 1% की, यानी कि परसेंटेज के साथ दी हुई है। अब ये आपके पास परसेंटेज के साथ भी हो सकती है या फिर एक राउंड फिगर अमाउंट के साथ भी हो सकती है। मान लीजिए आपने जो डिस्काउंट देना है राउंड फिगर में 50 रुपये का देना है, तो एक बेसिक अमाउंट आपको पता चल गई, और यहाँ पर ये छूट 1% की, यानी कि ये जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है इसका 1%। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो 1% के साथ यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, तो आप देख रहे हो 55 रुपये 25 पैसे। लेकिन अभी आप देख रहे हो ये हमारा ऐड हो गया, तो हमें जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो लेस करनी है। तो लेस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का निशान यहाँ पर हम लगाएंगे, ताकि ये 55 रुपये 25 पैसे यहाँ पर ये माइनस हो जाए। जितनी भी वैल्यू हमारे पास जो बनेगी इनवॉइस की उसमें से 55 रुपये 25 पैसे कम होने चाहिए। अगर हमने यहाँ पर सीधा 1% ऐड करेंगे तो अभी आप जो वैल्यू देख रहे हो वो 6464 रुपये और 25 पैसे की आ रही है। अगर हम माइनस का निशान दबा के ना दबाने के और सीधा डायरेक्ट 1% करेंगे तो यहाँ पर आप देखो ये 55 रुपये 25 पैसे इस इनवॉइस की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे आपके। तो हमें यहाँ पर कम करने हैं, तो हम -1% करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। उसके बाद में जो सेकंड लेजर हमारा रहेगा किराया, यानी कि फ्रेट चार्जेस, तो ये 500 रुपये हमने कस्टमर से फ्रेट चार्जेस लेना है, तो अब हमें यहाँ पर एक फ्रेट के नाम से अलग से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, LC फ्रेट एक्सपेंसेस या फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस के नाम से भी हम एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। हालांकि ये जो एक्सपेंसेस है हमने कस्टमर से ले लिया और आगे हम इसका भुगतान कर देंगे, तो इसका जो लेजर है वो बराबर हो जाएगा। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, और इंटरप्रेस करते हुए ऐड करेंगे। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको पता भी 500 रुपये की राउंड फिगर की वैल्यू के साथ में है, कोई परसेंटेज के साथ नहीं है, तो हम यहाँ पर 500 रुपये ऐड करेंगे। और उसके बाद में
लेबर यानी कि मजदूरी भी हमने 60 रुपये जो है जो ऐड करी है। तो इसके साथ हम लेबर का हमें एक अलग से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, लेबर एक्सपेंसेस। तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल को हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में जो वैल्यू है वो 60 रुपये की वैल्यू है। अब इसके बाद में अब ये जो टैक्स रेट है हमारा, अब ये जो टैक्स रेट है यहाँ पर इसकी जो वैल्यू 5% है, हम इसको यहाँ पे 18% करेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो 18% की है, इंटू 18%। तो इस तरीके से ये इसकी जो बेसिक वैल्यू वो इतनी रहेगी, टैक्स की अमाउंट अब वो एड हो जाएगी। अब यानी कि अब 7024 रुपये और 25 पैसे का इन्वॉइस की वैल्यू है जो बननी चाहिए। तो अगर हम इसकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 7024 रुपये और 25 पैसे की अमाउंट ही आ रही है, क्योंकि यह भी आपने जो पहले यहाँ पर जो हमारा टैक्स रेट आ रहा था वो 5% के हिसाब से था, और हमारी जो टैली के अंदर हमने जो स्टॉक आइटम जो सेलेक्ट करी है वो जीएसटी 18% की है। तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा, तो हमने यहाँ पर इसका जो जीएसटी है वो भी 18% कर दिया ताकि हमें पता चल जाए भी इसके अंदर कौन सी अमाउंट है जो लेस हुई है और कौन सी अमाउंट है जो एड हुई है। तो अब इसमें हम अगर हम देखें तो ये 5525 रुपये प्लस जीएसटी का टैक्स प्लस 500 रुपये और प्लस 60 रुपये, ये तो सारे ऐड हुए हैं, और इसके अंदर ये 55 रुपये और 25 पैसे है ये जो इसकी अमाउंट है जो माइनस यानी कि इसकी अमाउंट है जो घटी है। तो ये 7024 रुपये और 25 पैसे का इनवॉइस है जो बन जाएगा, और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। अब उसके बाद में अगर हम इसका इफेक्ट देखें भी, जो हमने लेजर क्रिएट किए हैं फ्रेट चार्जेस के या फिर लेबर के या फिर डिस्काउंट का, इसका इफेक्ट हमारी बुक्स में कहाँ पर आएगा, तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और हम चलते हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, ओपन कर लेंगे। तो जैसे हम डिटेल ओपन करेंगे तो आप देख रहे हो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल हमारे पास आ गई है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो डिस्काउंट हमने पे किया था 55 रुपये 25 पैसे, ये आपको यहाँ पर माइनस में शो करेगा। और उसके बाद में जो हमने फ्रेट एक्सपेंसेस ऐड किया था 500 रुपये का और लेबर एक्सपेंसेस ऐड किया था 60 रुपये का, तो ये एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल को अगर देखोगे तो ये आपको इनकम के साइड में है जो शो कर रहे हैं। तो अब इनकम के साइड में क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट है एक्चुअल में ये हमारा एक्सपेंसेस है, हमने ये पेड किया है, और ये जो 500 रुपये और ये 60 रुपये जो लेबर 560 रुपये का जो एक्स्ट्रा खर्चा है, ये हमारा एक तरीके की लायबिलिटी बन चुकी है। हमने कस्टमर से तो चार्ज कर लिया है लेकिन अभी इसका आगे जो भुगतान करने वाला बकाया पड़ा है, इसलिए आपको ये 560 रुपये की एक तरीके से आपको इनकम के रूप में शो कर रहा है, जबकि ये हमारी इनकम नहीं है। अगर आपने खुद से लेबर आपने पेड करी है तो आपकी बिजनेस की इनकम हो जाएगी, लेकिन ये एक्सपेंसेस आपने थर्ड पार्टी के थ्रू करवाए हैं, मान लीजिए जो फ्रेट है वो आपने थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन आपने यूज़ किया है, तो आपने कस्टमर से चार्ज कर लिया, बाद में आप अपने उस ट्रांसपोर्टेशन को पेड कर दोगे। इसी तरीके से जो लेबर आपने 60 रुपये ऐड करी थी वो कस्टमर से, तो आपने 60 रुपये ऐड कर लिया, कस्टमर से तो आपने पैसा ले लिया उसका, लेकिन अभी तक आपका इसका भुगतान आगे लेबर वाले को करने वाला बकाया पड़ा है। अब मान लीजिए आपकी जो लिए जो लेबर आपने कस्टमर से तो ले ली, लेकिन आगे इसका भुगतान अभी आपको करना नहीं है, तो ये आपकी बिजनेस की इनकम ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।